2005 के पहले जैसी सरकार थी कहीं वही सरकार फिर तो नहीं आ रही है। अपराधियों का अपराध हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और पुलिस के कंट्रोल से लगता है कि वो बाहर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह रही कि जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, हम बात करेंगे। क्या वजह रही कि जेडीयू को आपने छोड़ दिया? देखिए, जंगल राज लगता है कि आ जाएगा और जो अपराधियों का अपराध हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और पुलिस के कंट्रोल से लगता है कि वो बाहर हो गया है। पुलिस को न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है जो रोक रही है, ये हमको नहीं समझ में आता और इसको देख करके जनता बहुत ही दुखी है और इस दुख के कारण हमको नहीं समझ में आता, इसलिए हम पार्टी में जनता के दुख को देखते हुए हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। ये हालात कब से बिहार में उत्पन्न हुए हैं? अब ये हालात तो दो साल से तो हो ही गया है, 21 से तो हो ही गया है, नया महागठबंधन बना है, तब से तो हो ही गया है कि इतना ज्यादा आतंक बढ़ गया है, जो हर क्षेत्र में आतंक बढ़ गया, मर्डर हो, ये क्या कहते हैं, लूटपाट हो, वो सब हो, तो बहुत ही दुखी हम हो गए। तेजस्वी से दिक्कत आपको क्या है, क्योंकि हाँ नहीं, हमको तेजस्वी से कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, वो नाम लेकर के आप हमको मत परेशान करिए, हम उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका नाम न लेकर के हमको तंग करिए। वो कहना है मेरा कि ये पार्टी में जो फैसला लिया गया है वो 2005 के पहले जैसी सरकार थी कहीं वही सरकार फिर तो नहीं आ रही है, यही इसी का हमको डर है। और कोई क्या प्लान बना रखा है 2024 को लेकर आपने बनाया है या अभी सोचेंगी समझेंगे? तब सोचेंगे, अभी सोचेंगे और सोच करके हम बताएंगे आप लोगों को, जरूर बताएंगे आप लोगों को। तो फिर बिहार के एक युवा नेता हैं चिराग पासवान, चाचा ने धोखा दे दिया, उसके बाद सड़क पर आ गए और खूब संघर्ष कर रहे हैं, जहां भी पीड़ित परिवार हो रहा है मिलने जा रहे हैं। चिराग पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या कहेंगे? ये हम तो कुछ नहीं बोलना चाहते, किसी के बारे में हम लोग बताने नहीं आए हैं और हम अपना इस्तीफा देने आए हैं और इसके बारे में आप हमसे कुछ पूछिए तो ठीक है, अब हम दूसरे के बारे में हम नहीं। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है सिचुएशन, उसी को लेकर आप आहत रहे हैं, इसी वजह से छोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, उससे हम बहुत आहत हैं कि जनता बहुत डर गई है, जनता कह रही है कि कैसे काम करें, वो अपने काम पे छोटे छोटे बच्चों का मर्डर हो जा रहा है और कहीं कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको बचा सके और पुलिस तो लगता है कि एकदम नाकाम हो गई है, पुलिस कोई भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए, मीना सिंह के साथ साथ कई समर्थक जो हैं उन्होंने भी जेडीयू का दामन जो है वो छोड़ दिया है, सही फैसला आप लोगों को लग रहा है? जी, सही फैसला है, सही, बिहार के बेहतरी के लिए है। बिहार के में डबल इंजन की सरकार थी तो जो विकास की गति थी तीव्र थी। आप लोगों को लगता है कि आप लोग के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? कुशवाहा के जाने से तो फर्क ही नहीं पड़ा नीतीश कुमार को। वो तो समय बताएगा, यहाँ के समय बताएगा, जनता तय करती है ना कि किस पर प्रभाव पड़ा किस पर नहीं पड़ा। भोजपुर में क्या माहौल है सीएम नीतीश कुमार? भोजपुर में जनता दल युग का मेरुदंड टूट गया है, जनता दल युग जो संगठन है उसका मेरुदंड टूट गया है, अब धीरे 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 जदयू जिले में समाप्त हो जाएगा, यही आशा और विश्वास है। देख सकते हैं कि मीना सिंह ने जेडीयू का दामन जो है वो छोड़ दिया है और जब हमने उनसे बातचीत की तो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिहार में बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए वो पार्टी जो है वो छोड़ रही है। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।